नंबर फिल्म है और हर इंडियन को देखनी चाहिए और खासकर मुस्लिम लोगों से बोलूंगा कि उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, खासकर उनको तो जरूर जाना चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है और इतनी सॉलिड मूवी है, मुझे नहीं लगता कहीं पे फिल्म बोर करती है, फिल्म इतनी दमदार है। पिक्चर बहुत अच्छी लगी और पिक्चर अच्छी बनाई है, डायरेक्शन बहुत टॉप क्वालिटी का है, बहुत अच्छी मूवी है और मौका मिला तो मैं ज़रूर दोबारा देखूंगा। और ये एक मैसेज क्लियर है हम जैसे लोगों को कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें और वोट देके अच्छे लोगों को इलेक्ट करें और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए सब कुछ प्रयत्न करें कि अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो ये प्रॉब्लम्स देश में नहीं रहेगी। बहुत अच्छी मूवी थी, सबको देखनी चाहिए, रिलीजन बेस्ड मूवी थी, शुरुआत बहुत अच्छी की है और बाद में आके भी रिजल्ट भी अच्छा ही रहा है। कोशिश तो सभी करते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन दोनों को जस्टिफाई किया है, ये अच्छी बात है। पिक्चर में जैसे तापसी की बात करें, अलग अलग ट्रोल मैसेज भी आ रहे थे कि एंटी पाकिस्तान, एंटी हिंदू, इस तरह के, वो सब गलत ऐसा कुछ भी नहीं है। और पिक्चर देख के आपको लगेगा कि हाँ एक नया चीज़ आई है और देख के मजा आ जाएगा। बारे में लाइक मुस्लिम्स के बारे में गलत सोचते हैं और हिंदूज के बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम नहीं सोच सकते, मतलब एक इंसानियत के नाते हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। जैसा उसमें बताया है कि वो एक हिंदू था, वो जो मतलब वो ऐसा बोल रहा था कि मुस्लिम्स होते हैं जो तुम जैसे लाइक वो अलग पार्टी में था तो वो बोल रहे थे कि मुसलमान ऐसा करते हैं, मुसलमान वैसा करते हैं, तो वैसा नहीं होता है। हमारे दिल में जो दिमाग गलत फहमी है ना, अगर उनको दूर कर लेंगे तो शायद हमारा मुल्क बहुत अच्छा बन सकता है। कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए। शायद किसी ना बहुत से लोगों का एक जो माइंडसेट होता है कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, वो बहुत चेंज हो जाएगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि हम लोग को तो पता ही है, लेकिन जो ऐसा मानता है उन लोग का चेंज हो सकता है। ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान को हमें आतंकवादी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। तो ऋषि सर के साथ क्या कुछ देखने मिला, कितना मजा आया? ऋषि सर तो अपने आप में जो है शख्सियत हैं और उन दोनों का बहुत कार्टून ड्रामा और आशुतोष अन्ना जी का जो है उनके मैम के साथ में, तापसी मैम के साथ में बहुत अच्छी जो है केमिस्ट्री, आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ऋषि कपूर की, तापसी की एंड बहुत मतलब बहुत से कैरेक्टर थे, उनकी एक्टिंग अच्छी थी, पर ऋषि कपूर एंड तापसी बहुत ऑसम एंड तापसी ने अपना जो रोल निभाया वो सबसे बेस्ट था। ऋषि कपूर जी वॉज वेरी गुड, पन्नू वॉज वेरी गुड, इवन आई थिंक ऑल ऑफ देम वर वेरी गुड, इट इज़ नॉट वन, I think all the characters were excellently chosen. ऋषि कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छा है, उन्होंने मुस्लिम की एक्टिंग की है और लगते भी है कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग की परफॉर्मेंस, ऋषि कपूर बेस्ट, एंड तापसी पन्नू, आशुतोष राणा, तीनों काम बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो तापसी पन्नू ऑसम थी, ऋषि कपूर मोर देन ऑसम था, बहुत अच्छी एक्टिंग की, जितने भी एक्टर थे सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, बेस्ट पार्ट? डायलॉग और प्रोनाउंसिएशन, जो चीज़ों को बारीक चीज़ों को जो है जो दर्शाया है एकदम परफेक्ट। मुसलमान को आतंकवादी नहीं समझना चाहिए और उनकी फैमिली को भी आतंकवादी नहीं समझना चाहिए। दैट वाज द लाइफ ऑफ द मूवी, फर्स्ट हाफ वाज ओके ड्रामेटाइज्ड, बट सेकंड हाफ वाज द लाइफ ऑफ द मूवी। हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है इंसानियत की, मतलब बोलते ना एक दिमाग जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसको अलग साइड पर लेकर जाके एक साथ रहो, और मतलब ये मत सोचो कि हिंदू मुस्लिम होता है, बस एक साथ रहो, भाई भाई बन के रहो, दैट्स इट। जी माँ बाप की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा कहीं गलत चंगुल में फंस गया है और कहीं जा रहा है, तो माँ बाप की ड्यूटी है देखना, लेकिन आज समय ऐसा हो गया है कि बच्चा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं होता है और बच्चा गलत जगह फंस गया। पाँच में से मेरे लिए चार स्टार दूंगा, मैं आउट ऑफ फाइव स्टार दूंगा और मैं चाहूंगा ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। फाइव में से बटन 4.5। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू गिव 4.5। आई गिव 4.5 रेटिंग, 4 स्टार्स। थैंक यू सो मच। पाँच में पाँच ही बनते हैं, स्टोरी वाइज, स्क्रिप्ट वाइज और एक्टिंग वाइज।